आज हम आए हैं लुलु मॉल। वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई किया था? तो HR टीम ऑनलाइन हमें मिलेगी या फिर ऑफलाइन? तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? कितने घंटे आप काम करते हैं? आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, आधार कार्ड, पिन कार्ड, बैंक की। अच्छा, सैलरी वगैरह कितनी है और जो नीचे लाइफस्टाइल है उसके लिए? सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर मैं चाहती तो ये वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर मैं आराम से घर पे बना सकती, पर नहीं। आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर 100% वेरीफाइड जानकारी मिलती है। तो आज की ये जो वीडियो है ये मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मुझे बहुत कमेंट किया था और मुझसे बोला था कि मैम लुलु मॉल के ऊपर एक वीडियो लेकर के आइए। तो आज हम आए हैं लुलु मॉल। लुलु मॉल इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी पूरी जानकारी कि अगर आप अपना करियर लुलु मॉल के साथ बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट पर आए दिन यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है, सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। पर पता नहीं क्यों फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? एक सिर्फ एक बटन ही तो है रेड कलर का जिसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस करते ही आपको रेगुलर बेसिस पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाली है कि आपके लिए वो करियर में काम आएगी ही आएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लुलु मॉल इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल। इंडिया में लुलु मॉल कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, और हो भी क्यों ना। 2,200,000 स्क्वायर फीट का ये मॉल लोगों के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। माना जा रहा है लखनऊ में आते ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट 15,000 लोगों को रोजगार दिया है, और आने वाले टाइम में यानी कि 2023 में काफी सारी जगह पर लुलु मॉल ओपन होने वाला है। डीप रिसर्च और फैक्ट वेरीफाई करने के बाद हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं जिसमें आपको पता पड़ने वाला है कि लुलु मॉल में किस तरह की नौकरी रहती है, कैसे आप इन नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, लगभग कितनी सैलरी मिल जाती है, और जिस वजह से ये मॉल चर्चा में आया था उस बात में कितनी सच्चाई है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और वो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, जी हाँ उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ और भी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं इस चैनल पर जो कि आपके करियर से रिलेटेड होंगी और कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होंगी। तो उन इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जल्दी से उस रेड बटन को प्रेस कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। दोस्तों, इंडिया में लुलु मॉल लखनऊ के अलावा 4 और लोकेशन पर है, और एक रिपोर्ट की माने तो लुलु मॉल चेन्नई, अहमदाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बेंगलुरु के कुछ और शहरों में, साथ ही साथ नोएडा में बहुत ही जल्दी आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा लुलु मॉल अभी लखनऊ में है जहां 300 से ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, और ब्रांड्स की आने की यहां पर तैयारी है, जिसका मतलब है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लुलु मॉल से मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं ये डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज। लुलु मॉल के अंदर वो कौन सी डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें अभी तक 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है, और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर इस तरीके की जॉब वैकेंसी निकलती ही रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लुलु मॉल के अंदर लुलु मॉल के 4 बड़े ब्रांड्स हैं। पहला जो बड़ा ब्रांड है वो है लुलु हाइपरमार्केट। ये वीडियो लुलु मॉल के लुलु हाइपरमार्केट की है। इस हाइपरमार्केट में लगभग 1,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, और इस हाइपरमार्केट में A to Z रोज़मर्रा का सारा सामान मिलता है, अलग अलग वैरायटी का और अफोर्डेबल कॉस्ट में। दूसरा जो लुलु का ब्रांड है वो है लुलु फैशन। लुलु मॉल के अंदर ही लुलु फैशन है। लुलु फैशन स्टोर के अंदर आपको फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, किसी भी जेंडर की, किसी भी एज की, कपड़ों से लेकर के जूते तक, और काफ़ी सारी फैशन की एसेसरीज जैसे कि परफ्यूम, ड्यूड्रेंट, सॉक्स, शूज, सारी चीज़ें आपको लुलु फैशन स्टोर में दिखाई देगी। और इस फैशन स्टोर में तकरीबन 1200 के आसपास लोग काम करते हैं, और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। तीसरा है लुलु कनेक्ट। लुलु कनेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। इस लुलु कनेक्ट में सभी ब्रांड्स के, और लुलु के भी कुछ ब्रांड्स के टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इवन मोबाइल के कवर भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि लुलु कनेक्ट पे रेगुलर बेसिस पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज सेल्स, मार्केटिंग, स्टोर मैनेजर जैसी प्रोफाइल पर आती रहती हैं, और तकरीबन 1,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं।
और चौथा इनका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है एंटरटेनमेंट जोन। जी हाँ दोस्तों, टॉप फ्लोर पे फंटूरा के नाम से लूलू का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट जोन है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े लोगों के लिए और हर एक जेंडर के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और एक्टिविटीज़ के साथ साथ काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फंटूरा में तकरीबन 500 के आसपास लोग काम करते हैं और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हायरिंग्स आती रहती हैं। सो दोस्तों, ये डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्रांड्स के साथ आपको इनके आईटी, सेल्स, बिजनेस ऑपरेशन, ऑडिट एंड फाइनेंस, अकाउंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट में मिलती है। इसके अलावा लूलू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लूलू मॉल के अंदर 200 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तकरीबन 150 के आसपास यहाँ पर सफाई कर्मचारी काम करते हैं। हाइजीन और क्लीनिनेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम जो है करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ प्लस इनकी बहुत बड़ी पार्किंग में काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ से डायरेक्टली दिखाई देंगी। तो ये थी बात डायरेक्ट जॉब वैकेंसी की, जो कि लूलू मॉल के थ्रू आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आपको लूलू मॉल के अंदर मिलती है बट वो डायरेक्ट नहीं होती। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लूलू मॉल के अंदर 300 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूलू मॉल 3 फ्लोर में बना हुआ है और एंटर करते ही आपको काफ़ी सारी बाइक्स, कार्स दिखाई देंगी। अब जो एम्प्लॉई इन कार को सेल कर रहे हैं, इन कार को डिस्प्ले कर रहे हैं या बाइक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो एम्प्लॉई इस पर्टिकुलर ब्रांड के हैं। साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी सारे ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। अगर हम इनके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आपको काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, एप्पल, मैकडोनल्ड्स, क्लोदिंग और मेकअप जैसे ब्रांड्स दिखाई देंगे। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्स, रिलायंस ट्रेंड, पेंटालून जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स दिखाई देंगे। और लास्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रिलायंस डिजिटल, पूमा, रीबॉक और सबसे बड़ा फूड कोर्ट जिसमें अमूल, KFC, डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड्स आपको दिखाई देंगे। अब इन ब्रांड्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर आती हैं, जिनकी जानकारी मैं अपने चैनल पर भी दे चुकी हूँ और अलग अलग पोस्ट पर आती है। तो आप इन ब्रांड्स के साथ इनडायरेक्टली लूलू मॉल के अंदर काम कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से मांगी जाती है। इस वैकेंसी में 10वीं पास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोगों को हायर किया जाता है। उनको अलग अलग काम दिया जाता है और उनका अलग अलग सैलरी पैकेज होता है। जानिए आप इन वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई किया था? एक्चुअली मेल एड्रेस आई फाउंड आउट फ्रॉम वेबसाइट, लूलू लखनऊ वेबसाइट। देयर वाज अ कांटेक्ट नंबर, आई कॉल्ड देयर, आफ्टर देन आई गॉट द मेल एड्रेस एंड मेल द सीवी। एडवाइजर यू जॉइन द लैक्मे कलर बार रेवलॉन, यू कनेक्ट विद HR टीम। अच्छा, तो HR टीम ऑनलाइन हमें मिलेगी या फिर ऑफलाइन? लूलू ऑनलाइन डायरेक्टली यहां पर आकर के। इनकी वेबसाइट पर भी मिलती है? आपको ये जॉब कैसे मिली थी? मुझे मिली लूलू से। लूलू से आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर के आके मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे। अच्छा, देन जॉइन। और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? ग्रेजुएशन और कुछ एक्सपीरियंस 1-3 ईयर। 1-3 और कितने घंटे आप काम करते हैं? 9-6-7। ओके, थैंक यू सो मच। सीवी यहाँ पर डाला था? आकर के डाला था? मैं पहले हमारे ऊपर ना वहाँ जमीन घुमा होती थी पहले। अच्छा, तो ये कंपनी आपकी ACE फैसिलिटी मैनेजमेंट है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है ना। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसमें? इसमें तो वही आधार कार्ड, जो होता है आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, आधार कार्ड, पिन कार्ड, बैंक की पासबुक। अच्छा, तो होती है। कितने घंटे काम करते हो आप? 12 घंटे। अच्छा, सैलरी वगैरह कितनी? 12,700 दे रहे हैं। अच्छा, और यहीं रहते वगैरह आप? नहीं, रूम अलग ले रहे हैं। हाँ, रूम अलग नहीं लेना। अच्छा, अपने पैसों से लेना होता है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया। डिजिटल वाली जॉब्स के लिए कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा? जॉब के लिए मैम आपको नीचे जाएंगे, गेट नंबर 1 है। जैसे आप इस तरफ को आएंगी तो मैनेजमेंट ऑफिस है, राइट साइड।
अच्छा वहीं पे आपको मैनेजमेंट ऑफिस इसके लिए और जो नीचे लाइफस्टाइल है उसके लिए ना हाँ वहाँ पे आपको रिज्यूम देना होता है ठीक थैंक यू भैया जैसे यहाँ पर जो आप काम करते हैं उसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है जैसे किसी को नौकरी करनी होती सुपरवाइजर से बात करनी और कहाँ मिलेंगे सुपरवाइजर सर अच्छा यहाँ डायरेक्ट मॉल में यहाँ करके बोलना पड़ेगा अच्छा और कितने घंटे वगैरह काम करना होता है 12 घंटे सर ठीक है जैसे जॉब वगैरह रहती है उसके लिए अप्लाई कैसे करना नहीं तो अप्लाई कैसे करना होगा नहीं अप्लाई डायरेक्ट नहीं करना अच्छा मतलब वहाँ जाऊँ डायरेक्टली और सीवी जमा करके आऊँ या ऑनलाइन अप्लाई नहीं नंबर दे देंगे आप बात चाहें तो कर लीजिए एचआर में हमारे अच्छा सीवी दे आप मुझे दे दीजिए नंबर एक सेकंड सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं ये काफ़ी सारी पोस्ट पर निकलती है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो तरीके के निकलती है एक तो जो अपॉर्चुनिटी है वो डायरेक्टली लुलू मॉल से निकलती है और जो दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है वो यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं ना उनके थ्रू आती है अब अगर आप मॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो वैकेंसी मॉल के थ्रू आती हैं तो उनका अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जो मैंने यहाँ से पूछ करके रिसेप्शन पर भी जाकर के पूछा इवन बहुत सारी इंक्वायरी करी तो जो इनकी जेन्युइन वेबसाइट है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट दिखती है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और जो ब्रांड्स यहाँ पर हैं तकरीबन 300 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं और आगे भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर ब्रांड्स जो हैं आ रहे हैं तो उनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना तो पर्सनली उन ब्रांड्स के साथ आपको कनेक्ट करना होगा उन ब्रांड्स में जा करके आपको अपना रिज्यूमे जो है सबमिट करना होगा दोस्तों जैसा कि लोगों ने बताया कि कुछ ने डायरेक्टली लुलू मॉल में आकर के अप्लाई किया था और कुछ लोगों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई किया था तो वो जो डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज जिनके लिए आप लुलू मॉल में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की है हाउसकीपिंग स्टाफ की है गार्डनर की हो सकती है पार्किंग स्टाफ की हो सकती है जिनके लिए आपको डायरेक्टली लुलू मॉल विजिट करना होगा लुलू मॉल विजिट नहीं कर पाते तो फिर आपको उन एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना होगा जो कि आपको इस तरीके की नौकरी यहाँ पर दिलाती हैं उनमें से कुछ एजेंसी का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी और जो हाउसकीपिंग एजेंसी यहाँ पर थी उन दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बाकी आप विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये ओपन अप है यहाँ पर बेंगलुरु जो है आ रहा है बेसिकली इंडिया में इन चारों जगह पर लुलू मॉल है तो आप अपनी लोकेशन सबसे पहले सेट कर लेना कि कौन सी लोकेशन पर आपको अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर लखनऊ जो है कर देती हूँ लखनऊ क्लिक करते ही यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लखनऊ की आपको दिखाई देगी अगर आप चाहें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डायरेक्टली इस मेल आईडी पर भी अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं बट ये ऑफिशियल इनकी मेल आईडी है इधर से तो अप्लाई आप कर देना इधर से तो आप मेल सेंड कर देना साथ ही साथ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर करियर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर करियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप करियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आया है नो जॉब फाउंड लेकिन आपको फिर भी अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर जॉब अपडेट नहीं होती जो रिज्यूम इनको डायरेक्ट मिलते हैं उनको ही कॉल जाता है तो यहाँ पर आपको अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक करना है अब देखिए आप अप्लाई लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हैं या गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको गूगल के थ्रू करके दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेती हूँ गूगल के थ्रू और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म ना यहाँ पर ओपन अप होकर के आएगा ये फॉर्म भरना बहुत इजी है देखिए यहाँ पर मैंने अपना रिज्यूमे जो है वो सेलेक्ट कर लिया है रिज्यूमे के बाद साइड में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है आपका बायोग्राफिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कॉन्टैक्ट नंबर मांगा गया है वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है एजुकेशन मांगी गई है तो आपको सेकेंड ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर आपको नाम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है यहाँ पर मैं जल्दी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देती हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है
इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको यहाँ पर भरना है, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। डायरेक्टली एजुकेशन पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अब आप पढ़े लिखे कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो एजुकेशनल कैटेगरी में आप अपनी हाईएस्ट डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर डिग्री का नाम डाल देती हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ। कोर्स टाइप में फुल टाइम डाल देती हूँ। जितने परसेंटेज आपके बने हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। कब से लेकर के कब तक आपने यहाँ पर जो है अपना डिग्री कंप्लीट करी थी वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। इनकेस अगर कुछ आता है तो आपके रिज्यूमे में जो चीज़ें होंगी ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना मैं अपनी जो डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। डेट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ईयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ईयर पर आ जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर देती हूँ, डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसके बाद यहाँ से 1/5/2015 मैंने सेलेक्ट किया है। आप अपनी मार्कशीट में देख करके वो डेट सेलेक्ट करना कब कंप्लीट किया था। तो मैं यहाँ पर फिर से जो है कंप्लीट का जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसके बाद जो डेट है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड इसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा था, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया था, तो मैं इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डाल देती हूँ। अगर आपके बायोडाटा में यानी कि CV में वो जानकारी लिखी है तो ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगी, और नहीं लिखी है तो फिर ये आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको दिस इज़ माई हाइएस्ट एजुकेशन, जो आपकी हाइएस्ट एजुकेशन है ना वही डालना है। और यहाँ पर जो है आपको क्लिक का जो बटन आपको दिख रहा है प्लीज़ सेलेक्ट दिस इज़ माई हाइएस्ट एजुकेशन, वो आपको फिल करना है। देन इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकेंगे कि यहाँ से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सक्सेसफुल हो गई है। इसी तरीके से आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत ईजी मेथड है और वहाँ से रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपके नियर बाय एरिया में लुलू मॉल नहीं है या फ्यूचर में आने वाला है तो उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही मैं प्रेजेंटली अभी यहाँ पर स्टारबक्स में भी हायरिंग्स चल रही हैं, पूमा में भी हायरिंग्स चल रही हैं, तो उन दोनों जॉब वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन और अप्लाई लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो jobnow247.com की ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी की सारी वैकेंसी पोस्ट हो चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जिस वजह से जो ये मॉल है लुलू मॉल जो है चर्चा में आया था, इस वीडियो को बनाते हुए हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि क्या वो बात सच थी या नहीं, और हमें पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मॉल में ना हर एक कास्ट को, हर एक रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पर हर एक धर्म के लोग काम करते हैं। जो यहाँ पर अप्लाई करता है, जो सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको ही यहाँ पर जॉब मिलती है, वही यहाँ पर सेलेक्ट होता है और वही यहाँ पर काम करता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, हर एक धर्म के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलती है जो अप्लाई करते हैं और जो उस वैकेंसी के लिए सूटेबल होते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आप अपना करियर लुलू मॉल में बना सकते हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आती हैं, किस तरीके से आप उन जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो रेगुलर बेसिस पर आपको मिलने वाली है आपके अपने YouTube चैनल jobnow247.com पर। पहले भी मैं कई सारी वीडियोज़ आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग लेकर के आ चुकी हूँ, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही में अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।